मैं कौन होता हूं तुम्हें मैके जाने से रोकने वाला, इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया? तो फिर आप क्यों बकबक कर रहे हो? मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम और बच्चे वहां जाके खराब हो गए। नजीब और उसकी बीवी वहां ऑलरेडी है, नबीला कुछ दिन में पहुंच जाएगी, कैसे समाएंगे उस घर में सारे लोग? तंग पड़ जाएंगे सारे। हम तीनों के जाने से अगर तुम्हारा दिल डूब रहा है ना, तो तुम भी चले चलो साथ। कमाल करती हो, मैं कुछ कह रहा हूं तुम मेरे जाने की बात करने लगी। अरे भाई, ऊपर से तुम बच्चों को भी लेके जा रही हो, बच्चों को तंगी हो जाएगी वहां। क्यों क्यों तंगी होगी भला बच्चों को? उनके नाना नानी का घर है, कोई तंग करके दिखाए मेरे बच्चों को? तुम्हें समझाना नामुमकिन है। तो फिर कोशिश क्यों करते? और देखो जहूरे लाई, कितने साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कोई काम बिला वजह नहीं करती। मैं वहां किसी मकसद से जा रही। बड़े वादे किए थे ना असफन ने कि उसके शादी कर लेने से और बीवी की पिछली औलाद को घर ले आने से हमारे लिए हमारा मैका नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो ठीक है, अब साबित करे वो भी और उसकी वो वफा और इसार की पुतली बीवी भी। दो दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो तुम उसका इम्तिहान लेने जा रही हो वहाँ, यानी उसे इम्तिहान में डालने जा रही हो? मुझे क्या जरूरत, वादे तो असफन ने किए थे, बड़े दावे किए थे ना कि उसकी बीवी ऐसी है वैसी है, हमारा ख्याल रखेगी, हमारी इज्जत करेगी, हमें सर आंखों पे बिठाएगी। तो ठीक है ना, या तो अपनी बहनों के सामने सुरखुरू हो जाएगा या बीवी के बारे में सारी खुश फहमियां गारत हो जाएंगी। भाई अलीना, तुम तैयार हुई हो कि नहीं? काश तुम्हें जानती नजीबा, के रिश्ते बरतने के लिए होते हैं, परखने के लिए नहीं। अपने प्यारों को आजमाइश में नहीं डाला जाता। हमें ये बहुत मजेदार स्टोरी थी, जरा और तो बचपन की स्टोरियां बताए ना खाला की। हाँ हाँ, बस मेरा ही मजाक उड़ाते जाना, आप बताए ना असफन भाई की बातें भी कोई। अरे असफन की क्या बात बताऊं, इसका तो लड़कपन बहुत जल्दी रुखसत हो गया था, बचपन में ही संजीदा हो गया था ये। अच्छा वैसे ये बात ठीक नहीं है, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रही हो बेटा, ये होगा नहीं तुमसे, समझी तुम? आपा बताएं जरा सबको कि कैसी अकलमंद बनने की कोशिश करती थी और थी कितनी बुद्धू ये, बताएं जरा। बहुत मी आप क्या कर रही हैं? आप जाके आराम करें, बाकी का काम मैं करूंगी। तुम जाके इम्तिहान की तैयारी करो, कल पेपर है तुम्हारा। तैयारी हो चुकी है, आप काम छोड़ दें, बाकी का मैं कर रही हूं, वरना दिन भर पड़ी रहेंगी आप बिस्तर पे बीमार होके। अच्छा जा रही हूँ ना चाय बनाने, तुम्हें आप छोड़ दें। मैंने क्या कहा, मैं कर दूंगी सब कुछ, आप जाके आराम करें। आपकी शक्ल भी दिखती थी पीली हो रही है अम्मी। अच्छा मैं ठीक हूँ कुछ। पापा आपने कसम से बचपन की याद ताजा कर दिया। हाय हाय, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, जहन से ही निकल गया। मैं भी कहूँ आज सुबह से बचपन की यादें क्यों आ रही हैं, अम्मा अब्बा की बातें क्यों याद आ रही, कैसे भूल गई मैं। क्या हुआ सब खैरियत? हाय असवन, तुम्हें भी याद नहीं रहा, सही कहते हैं लोग, आज मरे कल दूसरा दिन। कल अम्मा अब्बा की बरसी है और हम में से किसी को ख्याल नहीं आ रहा। अम्मा की रूह तड़पती होगी कि कल मेरी बरसी है और मेरी औलाद बैठकर कहके ही लगा रही है, बजाय इसके कि मुझ पे पढ़ के कुछ बख्शे। इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है, सुबह सारी तैयारी हो जाएगी, कुरान खानी भी हो जाएगी और हर साल जिस तरह खैरात करता हूँ वो भी कर दूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप। हाँ सुन भाई, इस बार वो मदरसे और यतीम खाने में खाना भिजवाने के अलावा ना घर में भी थोड़ा सा इंतजाम कर लेंगे, मोहल्ले में भिजवाएंगे ना तो जितनी ज्यादा दुआएं हो उतनी कम है। मैं चाहती हूँ कि अम्मा को जितना ज्यादा लोग याद रखें उतना बेहतर है। हाँ क्यों नहीं, फिक्र नहीं करें आप लोग, सुबह सब इंतजाम हो जाएंगे इंशाल्लाह।
सादिया जी, आप पे पहले काम का बहुत बोझ है, मुझे एहसास है इस बात का, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से मंगवाऊं। खाने पीने की तो सारी चीजें बाहर से ही आएंगी, टेंट वगैरह भी हो गया, अलबत्ता मदरसे से कुछ बच्चे आएंगे कुरान खानी के लिए, आप फिक्र मत। परेशान लग रही हैं आप कुछ? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा था कल अम्मी की बरसी है। जी जी, मैं सुन रही हूँ, आपकी अम्मी की बरसी है कल। कुछ और भी है कल? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मैं जरा निम्रा को देख के आती हूँ, उसका टेस्ट है ना कल, पता नहीं तैयारी की है कि नहीं। निम्रा से कहेगा कि रोजाना रात को एक दूध का गिलास पिया करे, बहुत कमजोर हो गई है। हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, आबाद रहो, ऊंचे मुकाम पे पहुंचो। मुझे लग रहा था आप नहीं आएंगी। क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? बस मुझे डर लग रहा था कि अगर आप नहीं आई तो मैं किससे उम्मीद लगाऊंगी, कैसे रात में आके मुझको दुआएं दे। किसी खामखाई की वहम पालती हो तुम निम्रा, मैं वही वाली अम्मी हूँ जो पहले थी, उसी तरह तुम्हारी सालगिरह पे मैं केक बनाऊंगी और मैं और तुम मिलके काटेंगे उसे। एक मसला है, तोहफा लेने नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, घर में लोग बहुत है ना, बुरा लगेगा, तुम समझ रही हो ना? जी। लो, अपनी मर्जी की कोई चीज जाके कर ले लेना, वैसे भी अब बड़ी हो गई हो, खुद शॉपिंग करो। ओ सादिया, खाने में तो अभी वक्त है ना, मदरसे में शरबत भिजवा दो, बच्चों के हलक सूख गए होंगे तिलावत कर करके। सादिया कहाँ रह गई? धनी पिछले घंटे से किचन में घुसी कुछ कर रही है। असवन तो अभी घर नहीं आया, फिर किचन में क्यों गई? वे सब ड्रामे हैं, सब कुछ तो बाहर से आ रहा है, पका पकाया दिखावा करती है। एक तो हमारे भाई ने ना इस बीमार औरत को महारानी बनाकर हमारे सर पे सवार किया है, काम की ना काज की। जी कोई वक्त नहीं है वैसे घर आने का, असर का वक्त होने वाला है, हमारे बच्चे भी कॉलेज जाते हैं। देखिए तो आप लोग कितने थैले पकड़े हुए, बाजार जाने का ये कोई टाइम है? यहाँ पे हम लोग भाई माना हमारी मरी माँ से इनका कोई रिश्ता नहीं, ना दुआ करने की तौफीक है ना पढ़कर बख्शने की,
पर इतना तो लिहाज कर ले कि हमारी माँ की बरसी वाले दिन सैर तफरी को तो लगाम दे दे। बहुत ही बदलिहाज है ये माँ बेटी। हाँ बस सब काम आपके कहने के मुताबिक कर दिए। यतीम खाने में मैंने खाना भिजवा दिया था और मस्जिद में पंखे भी लगवा दिए थे। नहीं देखो असवन भाई, तुम जानते हो कि मैं एक साफ गो औरत हूँ, मुझे लगी लपटी रखनी नहीं आती है। नायला कोशिश कर रही है कि मैं कुछ ना बोलूं, चुप रहूं, पर भी मुझसे नहीं चुप रहा जाता। ऐसी क्या बात है जिस पर वो कह रही है कि आप चुप रहे? अब नायला बेचारी की तो मजबूरी है ना, दरबदर होकर तुम्हारे आसरे पर जो आ पड़ी है तो उसकी तो मजबूरी है भाभी से बना के रखने की और कुछ ना कहने की। पर भाई मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो तुम ही ने कहा था कि वो लड़की तुम्हारी बेटी है और हम उसे अपना रिश्तेदार और खानदान का फर्ज समझे, तो फिर बेहतर होता वो बच्ची हमारे सर पर थोपने के बजाय तुम उसे समझाते खानदानों में कैसे रहा जाता है, कैसे खानदान को अपना बनाया जाता है। अरे हमारे घर में शोक का आलम है, हमारी माँ का इस आलस सबाब के लिए हम रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, उनकी बरसी है और वो खरीदारियां करती फिरती है। पापा ये जरा सी बात है और आप लोग? ये जरा सी बात नहीं है आसमान, माना कि हमारी माँ से उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतनी बच्ची भी नहीं है कि हालात का ख्याल ना कर सके। ए, आज ही का दिन मिला था उसे, इतनी ही आग लगी थी कि आज ही उसने सारी खरीदारियां करनी थी, और फिर अगर कर ही नहीं थी तो हमारे सामने बैग तो ना लहराती फिरती। उसकी माँ को भी चाहिए था ना उसे समझाती। माएं तो अपनी बच्चियों को घुट्टी में ही बता देती हैं कि मौका महल का नजाकत का कैसे ख्याल किया जाता है, पर नहीं। और फिर उनका भी क्या कसूर है, हमेशा से भूख और अफलास ही देखी है। अब तुम्हारे तो फैल खुला मिल रहा है खाने को, बल्कि लौटाने को, तो आप ऐसे तो बाहर होंगी। पापा मैं काफी थक गया हूँ, आप भी आराम करें। हाँ ठीक है, जाओ करो आराम करो। तुम्हारी हिम्मत तो नहीं होगी उस लड़की से कुछ पूछ सको, कहीं उस नाजुक मिजाज बीवी का दिल ना दुख जाए। जाओ। आपको नहीं पता कि मैं अभी वहां पे क्या देख कर आ रही हूँ? अरे भाई रहने दो, बस जो मैं देख चुकी हूँ ना वही काफी है मेरा दिल जलाने को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही असवंद है। इतनी बड़ी बात पता चली और उस पर कोई असर ना हुआ, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमारे घर में सोग है, हम सब सोग मना रहे हैं, रो रहे हैं, और वो लड़की हमारे घर में रहते हुए हमारे दुख का मजाक उड़ा रही। अरे आपा उसको तो छोड़िए, वो तो अलग है, उसकी माँ मैं किचन में देख के आ रही हूँ, सुबह से अपनी कारकर्दगियों में लगी हुई है, केक बना के रखा हुआ इसने। केक? जी हाँ, और फिर ट्रे में सजा के अपनी बेटी के कमरे में लेकर जा रही थी। शर्म नहीं आती है इन औरतों? आप हमारी माँ की बरसी और वो वहाँ पे बर्थडे। अगर ये सब सुन के भी असवन चुप रहा ना तो मैं समझूंगी मेरा भाई भी उन्हीं औरतों की तरह बेशरम हो चुका। देखिए आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे। चलो चलो हमारे साथ, खुद देख लो, मानो या ना मानो, माँ बेटी का जहन शैतान का है। कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है, मतलब किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं आज? आप अपने मंसूबे कामयाब होने की खुशियां और किस बात की खुशियां? हमारा इतना अच्छा भाई अपनी मुट्ठी में कर लिया, इतना बड़ा घर मिल गया, जमा जमाया कारोबार मिल गया, और उस बच्ची यतीम बच्ची की जिंदगी जो सवर गई, और किस बात की खुशियां? तो खुशियां मनाने को क्या आज का दिन मिला था? तो मानो या ना मानो असल ये सिर्फ हमें जलाने के लिए, हमें चढ़ाने के लिए कर रही है वो, ताकि हमारा मजाक उड़ाए। चलो मैं कह रही हूं चलो मेरे साथ, चलो चलिए चलो।
वैसे हद होती है बगैर की। इतनी तौफीक तो हुई नहीं कि हमारी मरी हुई माँ के लिए एक सिपारा ही पढ़ देती, लेकिन आधी रात को दरवाजे बंद करके जश्न मनाए जा रहे हैं। भाई इन माँ बेटी के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। और भाभी बंदा दुनिया दिखावे के लिए अपने शोहर को दिखाने के लिए थोड़ा सा ड्रामा ही कर लेता है। आपा ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसा जश्न नहीं हो रहा था। असवंत इस औरत ने अभी तक इतने महीनों के बाद भी तुम्हारे घर को अपना घर नहीं समझा, तुम्हारे दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझा, तुम्हारी मरी हुई माँ का लिहाज नहीं किया। और ये छटांग भर की लड़की ही जो तुम्हारा खाती है, तुम्हारे पैसों पे अय्याशियां करती है, तुम्हारी ही बहनों को जलाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। तुम असवंत आओ और बताओ इनको, अपने लफ्जों में बता दो इनकी औकात क्या है। सालगिरह मुबारक हो बेटा। मुझे केक नहीं खिलाओगे? शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। कभी कभी मैं खुद भी छोटी पड़ जाती हूँ आपके आगे। सारे जी एक गिला है मुझे आपसे। वैसे आप जरूर गिला करें, नाराज हो मुझसे, आपको पूरा हक है। मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि अब मैं और निम्रा अकेले नहीं है, हमारे साथ और लोग भी वाबस्ता है। महज उसकी खुशी के लिए मैं दूसरों को नाराज नहीं कर सकती। आप गलत समझ रही हैं। मतलब मुझे इस बात का गिला है कि आपने अपनी खुशी में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा मुझे। आपको एहसास हो जाना चाहिए कि निम्रा और आपकी जिंदगी में कुछ और लोग भी शामिल हो चुके हैं। जब आप अपनी बेटी के साथ खुशी मना रही थी, उसका केक काट रही थी, तो आपको बताना चाहिए था ना मुझे। आप कैसे भूल गई कि आप दोनों की जिंदगी में, मतलब मैं अब आप दोनों की जिंदगी का हिस्सा हूं। हालात ही कुछ ऐसे थे, मुनासिब वक्त नहीं मिला। माँ के लिए उसकी औलाद हमेशा बच्चा ही रहती है। मैं भी उसको खुश करने में, उसका दिल रखने में मसरूफ रही। ये मैं भूल गई कि निम्रा बड़ी हो गई है, समझ सकती है कि जब एक घर में शोक मनाया जा रहा है तो उसकी खुशी हम कैसे मना सकते हैं। असवंत साहब मैं आपसे कैसे कहती कि आप अपनी माँ की बरसी ना मनाए, मेरी बेटी की सालगिरह मनाए। सदे जी जो लोग चले जाते हैं ना, उनकी यादें कभी नहीं जाती, लेकिन जो साथ रहते हैं उनके साथ रहते हुए हर पल हर लम्हे को यादगार बनाना पड़ता है। मरने वालों के साथ साथ जो जीने वाले आपके साथ होते हैं ना, उनके भी कुछ हुक होते हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा वही भाई है। सब कुछ जान के, सारी की सारी हकीकत जान के भी कुछ असर ही नहीं हुआ इन पे, बजाय इसके कि उनकी क्लास लेते अच्छी तरह और शह दे रहे। मर्दों का ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है, बीवी के आगे ना माँ याद रहती है ना बहन। ऐसा
ऐसी भी कोई बात नहीं आपा, हम भी किसी की बीवियां हैं, हमारे भी शौहर हैं, लेकिन वो तो हर वक्त अपनी माँ और बहनों का रोना रोते रहते हैं। अब साकिब को देख, मेरे पास वापस तो आ गया है लेकिन उठते बैठते रोना रोता है वो अपनी माँ के लिए। अरे हमारी तुम्हारी क्या बात है, हमारा उसका क्या मुकाबला? हमारी तो ना माँ ने हमें ये चलाकियां सिखाई, ना ही जमाना बरतने के बावजूद हमें ये गुण आए। मुझे ही देख लो, अपनी फूलों जैसी जवानी रोल दी मैंने एक बड़ी उम्र के कम शक्ल आदमी के साथ। तुमने भी तो कितने सबर के साथ एक चंडाल किस्म की ससुराल में गुजारा किया है। अरे ये हैं सादिया, इन्हें देख ले, एक शौहर को खा चुकी हैं और हजम करने से पहले दूसरा शिकार तैयार, और तो और अपनी बेटी को भी अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए तैयार कर लिए। तौबा तौबा, अल्लाह ही बचाए ऐसी औरतों से। अब क्या बचाना, अब तो हो गया जो होना था, अब तो हमारा भाई उनके हत्थे चढ़ गया, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नबीला की फ्लाइट है आज। जी जी हसन भाई, मैंने कॉल करके मालूम किया है, फिलहाल कोई डिले की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, मौसम की वजह से हो भी सकती है। हाँ मैं यही सोच रहा था कि रात को सब चलते हैं ना नबीला को लेने एयरपोर्ट। जाहिर है भाई, इसीलिए तो आए हैं। निम्रा कहाँ है, सो रही है क्या? कॉलेज के बर्थडे है उसका, आज क्या चलेगी कॉलेज वो? असन भाई आपका तो बस चले, आप सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दें उसकी सालगिरह की खुशी में। सब कॉलेज में आए दिन कितनी लड़कियों की सालगिरह होती है, रोज छुट्टियां होने लग गई तो होगी पढ़ाई। नहीं एक्चुअली मैं ये सोचा था कि निम्रा की बर्थडे है, हम सारे मिलके चलते हैं डिनर पे। चलो ये भी अच्छा है, किसी और के बहाने ही सही, असन भाई हमारी ऐशी तो करवा देंगे। कितना अरसा हो गया ना तो तैयार होके कहीं गए हुए। हाँ तो ठीक है, भाई को कॉल कर देते हैं, अलीना और उमेर को भी बुला लेते हैं, फिर सारे चलते हैं डिनर पे। ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, होश की बातें करो। मतलब अभी नबीला को एयरपोर्ट से ले जाने की बात हो रही थी और आप बैठे बिठाए नया प्रोग्राम बना लिया। अपन नबीला की फ्लाइट 11:30-12 बजे, हम अर्ली डिनर कर लेंगे अराउंड 8:30, तो वहां से फिर चलेंगे आराम से एयरपोर्ट। सही है ना साकिब? भाई मेरी बला से तुम अपनी बीवी को खुश करने के लिए ऑफिस से जल्दी आओ या भले काम पर ही ना जाओ, पर मुझे और मेरे बच्चों को दूसरों की सालगिराहों पर जाकर केक ठूंसने और तालियां बजाने का कोई शौक नहीं, समझे? आपा आपा मेरी बात सुनिए। असन भाई मेरी तरफ से भी आप माजरत ही समझे, वैसे भी हम आपके किसी काम में दखल नहीं देते हैं, ना ही आपको कुछ करने से रोकते हैं, तो आप मेरी तरफ से पूरे शहर को बुलाएं उसकी सालगिरह की दावत के लिए। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी अपनी बहन के वापस आने पर है, उसके लिए मैं घर पे रुकूंगी, उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी और साकिब ने मेरे साथ उसका कमरा सेट करवाना है। आपने कमरा खाली करवा दिया था? हाँ निम्रा जाने से पहले सामान समेट गई थी। ये मुझे दे दी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भी एतराज है निम्रा को कहीं बाहर ले जाने को? सादे जी मेरा नहीं ना, तो कम से कम अपनी बेटी का ख्याल करो। इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की खुशी नहीं सोच सकती, आपका ख्याल भी तो रखना है, फिर बाकी लोगों की मर्जी। बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ मुझे अपनी बहनों का ख्याल नहीं करना, आपको और निम्रा का भी करना। मैं आप हम सब कहीं ना कहीं रिश्तों में बटे हुए होते हैं और यही हमारा इम्तिहान होता है कि हम कौन से रिश्ते की कसौटी पे अच्छी तरह से पूरा उतरे। खैर आप निम्रा को कहिएगा कि वो दोपहर में तैयार रहे।
असवंत साहब, मुझे आपके खुलूस पे, मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। बात यह है ना कि वो रात वाला जो किस्सा है उस पे भी सब नाराज हो रहे थे, कितना झगड़ा हुआ है। फिर नबीला भी आज ही आ रही है, हम सारे लंच पे चले जाएंगे तो नाराज होने वाली बात है ना। मैं तो नहीं जाना चाह रहा था अकेला, या सिर्फ मैं, आप और निम्रा। मैंने तो सबको इनवाइट किया था, अब उनकी अपनी मर्जी, अब मैं क्या करूं। निम्रा के साथ भी ज्यादती हो रही है, उसका कमरा खाली करवाया जा रहा है, वो कितनी नाराज होगी इस बात। नबीला आ रही है, उसके लिए कमरा सेट करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम अज कम बच्ची की दिलजोई के लिए इतना कर सकता हूँ कि उसे कहीं बाहर ले जाऊं, कुछ खिला पिला दूं, उसको कोई तोहफे वगैरह ले। तो प्लीज 1:30 बजे तक अच्छी तरह तैयार हो जाइएगा, मैं आप और निम्रा चले, बाकी जो है मैं सब देख लूंगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। इतनी दवाइयां, मैं तो देख के ही परेशान हो गई। और क्या करूं, शौक से थोड़ी खाती हूँ, मजबूरी है। अल्लाह जब बीमारी देता है तो शिफा का वसीला भी तो वही बनाता है ना, दवाइयों के जरिए। ये खाती रहूं तो मेरी तबीयत संभली रहती है, चलती फिरती रहती हूँ, वरना तो तुम सच पूछो तो वास्तवा मेरा दिल उकता जाता है इन दवाओं से। अरे नहीं नहीं, मैं इस वजह से परेशान थोड़ी हो रही हूँ कि ये दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं। अब ये भी भला कोई परेशानी वाली बात है? इसके लिए तो बंदे को शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि इलाज मुयस्सर है। मैं तो अपने भाई के लिए परेशान हो रही हूँ बस। अब देखे ना, दिन में कुछ 7-8 गोलियां तो आप खा जाती होंगी, और वो हर तीसरे दिन टीका अलग, फिर हर हफ्ते 10 दिन के बाद आप डॉक्टर के पास भी जाती हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। ये कोई मिला के महीने का 50-60 हजार रुपया मेरे भाई का तो लग ही जाता है ना। आज क्या पकाना? आप लोग तो बाहर जा रहे हैं मजे करने, आखिर आपकी बेटी का दिन जो यादगार बनाना है असन भाई ने, हमारी फिक्र ना करें, हम तो अपनी दाल रोटी बना के खा ही लेंगे, हमारा क्या है। अरे क्या हो गया, आप रुके मेरी बात सुने। अरे भाभी, आपने मेरी बात माइंड तो नहीं की? देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे भला क्यों एतराज होने लगा कि असन भाई आपके इलाज पे कितना भी खर्च करें। अच्छा देखें, देखिए भाभी, मैं ना जरा सादा सी तबीयत की हूं, इस तरह घुमा फिरा के चीनी के शीरे में लपेट के बात ना मुझे करनी नहीं आती। मैं असल में आपसे ये कहना चाह रही थी कि जहां आप इतना पैसा खर्च करती हैं दवाओं पे, इलाज पे, वहां से 4-5 हजार रुपये अपने मुंह पे भी लगा लें। देखिए आप अब शादीशुदा हैं, असन भाई आपका कितना ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा ख्याल तो आपको भी उनका रखना चाहिए ना, उसके लिए आपको अपने आप पे तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना कैसे होगा ये सब। अब कोई मसला भी नहीं होगा इसमें, जहां असन भाई आपके लिए हजारों खर्च कर रहे हैं आपके इलाज पे, वहां पे पार्लर का भी खर्चा उठा लेंगे। देखिए आप जरा ना अच्छे से कलर के अपने बाल डाई कराएं, कुछ कर्ल्स वगैरह करवाएं, फेशियल की इतनी जरूरत है, मैनी पेडी होगा, कुछ नेल पॉलिश बड़ी जरूरत है भाभी। देखिए इस घर में ना मैं आपकी एक हमदर्द हूं, बहुत पुरखलूस मशवरा दे रही हूं मैं आपको। जो मैविश है ना, इंतहाई हसीन लड़की है, और ये जो मर्द होते हैं ना, ये अपनी पुरानी मोहब्बतें वैसे ही नहीं भूलते, और फिर आगे तो मैविश है, और आप भी कोई मदद थोड़ी कर रही हैं उनको भुलाने के लिए, कुछ भी नहीं कर रही आप। और असन भाई पे अभी हमदर्दी का बुखार चढ़ा, और हमदर्दी का जो बुखार है ना, इश्क के बुखार की तरह नहीं होता, उतरे ही ना, समझ रही है ना मेरी बात। हाँ भाई, तुम्हारे बड़े परपुर्जे निकल रहे।
या अल्लाह, एक तो अलीना पता नहीं क्यों शिकायतें लगाती है, इतनी बुरी आदत है उसके। मैं देखे, मैंने बहुत कैजुअली निमरा को हैप्पी बर्थडे विश किया, ठीक है? मुझे नहीं पता कि अलीना आपको कौन सा नमक मिर्च लगा कर गई है, क्या बातें कर गई। अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो तुम, मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारे अखलाक को। सारा दिन किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, उस लड़की के लिए बहुत अखलाक हो रहा है। क्यों भाई, क्यों अरमान जाग रहे हैं उससे दोस्ती के? अम्मी क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें करी, किस तरफ लेकर जा रही है बात को? देखिए, मैंने आपको बताया कि वो सामने से गुजरी थी, मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। मैं कौन सा उसके पास गया स्पेशली और कहा कि जी हैप्पी बर्थडे टू यू, आखिर हम उसके घर से गेस्ट आए हैं। क्या कहा तुमने, क्यों कहा तुमने, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। उसका घर, अच्छा ये मेरे भाई का घर है जो तुमने खड़े खड़े उस अनजान लड़की के नाम कर दिया। अम्मी खुदा के लिए क्या हो गया, किस तरह की बातें करी आप? मतलब मैं कहाँ से कुछ किसी के नाम कर सकता हूँ, और मेरे कहने से कैसे कोई चीज किसी के नाम हो सकती है? हाँ मतलब आपसे तो कोई भी बात करना मुश्किल है, फौरन हर बात को पकड़ लेती हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी तरह से जानते हो ना माँ हूँ तुम्हारी कि मैं हर बात पकड़ लेती हूँ। बस तुम बल्कि छोड़ो, निकलो तुम यहाँ से, जाओ जाओ, उठाओ अपना सामान और बाप के पास जाओ, चलो निकलो निकलो। जा रहा हूँ।
इसी बहाने थोड़ा टाइम मिल गया आपके साथ। एक मिनट, क्या हुआ? क्या क्या हुआ पता नहीं। नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। नाइफ वगैरह? मैं चेक करता हूँ। कुछ समझ आया? नहीं समझ आ रहा, क्या मसला है? नहीं पता चल रहा, तो बस ही वक्त जाया कर रहे हैं ना। क्या कह रही हो? कह रही हूँ ऐसे जब नहीं पता चल रहा, वक्त जाया कर रहे हैं खड़े होके बाहर। ऐसा हुआ नहीं पहले कभी, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ। अच्छा आप अंदर आके बैठ जाएं ना। मैं नासिर का वेट कर रहा हूँ, वो आ रहा है मैकेनिक को लेके। एक मिनट। हाँ नासिर, कहाँ पहुँचे हो? सुनो वो जो डिफेंस से कुरंगी की तरफ जो पीछे वाला रोड है यार, हाँ उस पर हूँ। हाँ मैं तुम्हें सड़क पर खड़ा हुआ नजर आ जाऊँगा, जल्दी आ जाए यार, भाभी भी है तेरी साथ में। हाँ सुने असन साहब, वो जब तक वो आएंगे मैकेनिक को लेके देर हो जाएगी ना। देखिए आप आके फोन पे फोन आ रहे हैं, और वो आपने कहा था फ्लाइट भी आ गई है। सादिया जी, मैं और आप नासिर की गाड़ी में चले जाएंगे, नासिर ये गाड़ी सही करवा के कल ड्रॉप कर देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर आपा का फोन आ रहा है, बहुत गुस्सा करेंगी, क्या करूँ? मैं नहीं सुन रहा अभी। अल्लाह मालिक है। कैसा पीला रंग हो रहा है मेरी गुड़िया का, पकड़ो खाओ। लगता है ससुराल वाले कुछ खाने को नहीं देते। चलें अब तो आ गई है ना आपा, ये अब हम अच्छे से इसका ख्याल रखेंगे। और दिन भी तो ऐसे हैं लाड उठाने वाले। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम मैके आ गई। कौन सा मैका, कहाँ का मैका? जो भाई परदेश से आने वाली बहन को लेने एयरपोर्ट तक न जा सका, उससे आगे क्या उम्मीद रखी? मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के आई थी कि जब मैं शादी के बाद पहली दफा घर आऊंगी तो असफर भाई खुशी से बेहाल हो जाएंगे। वो तो मुझे लेने तक भी नहीं आए। अब देखो ना, तुम्हारे सामने मैंने दो बार फोन किया और उसने काट दिया। मैं बताती थी ना तुम्हें नबीला, वो अपनी बीवी से डरता है। बड़ी उम्र की बीवी उस्तानी होती है, एक आंख के इशारे से मर्द को काबू कर लेती है। अब बीवी के डर से मेरा फोन तो उसने उठाया नहीं, तो बीवी के सैर सपाटे छोड़कर तुम्हें लेने आ जाता, कभी भी नहीं। खाला आप अपना दिल क्यों बुरा कर रही हैं? और अम्मी आप क्या इस मौके पे ऐसी बातें लेके बैठ गईं? बोला है ना उमेर भाई ने कि मामू की गाड़ी खराब हो गई थी, और उमेर भाई भी तो वहीं गए हैं। मुझे उमेर की किसी बात पे यकीन नहीं है, बहुत ही मीसना है अपने बाप की तरह। हजार दो हजार रुपए के लालच में उसकी बात का पर्दा रख लिया होगा। कह दिया कि गाड़ी फलाने चौक पे खड़ी थी, वहां खड़ी थी, यहां खड़ी थी, जबकि मुझसे शर्त लगा लो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही समझिए आप पापा, ये उसकी बेगम के नए हरबे हैं। इस तरह की छोटी मोटी घटिया हरकतें करके ना वो हम पर ये जिताना चाहती है कि जो चाहे कर लो, तुम्हारा भाई मुट्ठी में है मेरी। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती।